तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम क्वाज़ियोर्कर और मैरमस के बारे में देखने वाले हैं, उसको ट्रिक के साथ लर्न कर लेंगे हम। मेरा नाम अक्षय है, मैं नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 350 मार्क्स स्कोर किए 360 में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वाज़ियोर्कर होता है और जो मैरमस होता है, ये दोनों प्रोटीन की डिफिशेंसीज होता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो क्वाज़ियोर्कर होता है उसमें प्रोटीन की डिफिशेंसी होती है सिर्फ, बल्कि जो मैरमस होता है उसमें प्रोटीन के साथ कैलोरीज़ की भी डिफिशेंसी होती है। ये जो फर्स्ट आपको बच्चा दिख रहा है ये क्वाज़ियोर्कर से अफेक्टेड है, बल्कि जो सेकंड है वो मैरमस से अफेक्टेड है। और हम आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM, ये एक डाइट्री डिफिशेंसीज है। किसकी? प्रोटीन की। इसमें ये जो डिफिशेंसी है यानी PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ये लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। कब? ड्रॉट, फेमिनाइन और पॉलिटिकल टर्मोइल में। ओके, चलिए बात कर रहे हैं हम क्वाज़ियोर्कर और मैरमस की। डाइट्री डिफिशेंसीज किस किस की डिफिशेंसी होती हैं? प्रोटीन की डिफिशेंसी होती है क्वाज़ियोर्कर में, जबकि प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशेंसी होती है मैरमस के अंदर। ओके, देखिए, मैरमस में रस आ रहा है, मैरमस में रस आ रहा है, रस मतलब कैलोरीज, मतलब कैलोरीज की भी डिफिशेंसी होगी। ओके, किस एज ग्रुप में हमें ये देखने को मिलता है? तो जो क्वाज़ियोर्कर होता है वो उस बच्चे को अंदर देखने को मिलता है जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है, बल्कि जो मैरमस होता है वो इन्फेंट में देखने को मिलता है, यानी ऐसे बच्चे जिनका उम्र 1 साल से कम है। क्यों देखने को मिलता है हमें क्वाज़ियोर्कर और मैरमस? चलिए डिस्कस करते हैं। क्वाज़ियोर्कर हमें तब देखने को मिलता है जब जो मदर का जो मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया है हमने किसी दूसरे प्रोडक्ट से, और वो जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन का जो डाइट है वो कम है और उसमें कैलोरीज सफिशिएंट है। कैलोरीज सफिशिएंट होंगी, प्रोटीन कम होगा, तो क्वाज़ियोर्कर हो जाएगा। ओके, मैरमस कब होगा? जब मदर के मिल्क को हमने रिप्लेस कर दिया है, बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर दिया है दूसरे फूड प्रोडक्ट से। ओके, और वो जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर कैलोरीज भी कम है और उसके अंदर प्रोटीन भी कम है, तो बच्चे को क्या हो जाएगा? मैरमस हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अभी बच्चा जो पहला बच्चा है वो बहुत छोटा है, उसी वक्त क्या हुआ, मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी हो गया, तो वो भी एक रीज़न है जब मैरमस हो सकता है। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वाज़ियोर्कर और मैरमस के? जो क्वाज़ियोर्कर होता है उसमें हम एक्सटेंसिव एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? कि उसमें प्रोटीन की डिफिशेंसी है बट कैलोरीज की डिफिशेंसी नहीं है, मतलब उसके बॉडी के अंदर रस है, रस है मतलब बॉडी पार्ट फूल जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा? वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स। ओके, और देखिए जो मैरमस है उसमें क्या होता है? एक्सटेंसिव इमेसिकेशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, बॉडी रिंकल्ड हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जो लिम्स है वो थिन हो जाएगा। कॉमन है दोनों में थिनिंग ऑफ लिम्स, बट जो डिफरेंस क्या है, जो क्वाज़ियोर्कर है उसको आप उसका अंदर आपको एक्सटेंसिव एडिमा देखने को मिलेगा यानी स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट होगा, और जो मैरमस है उसके अंदर आपको एक्सटेंसिव इमेसिकेशन ऑफ बॉडी दिखेगा, यानी आपको स्किन जो होगा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो रस नहीं है, कैलोरीज नहीं है, इसी कारण क्या होगा, स्किन ड्राई हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो डिजीजेज हैं उनके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं इन डिजीजेज के अंदर, वो क्या है? वो है आपको ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाएगा। दूसरा क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, मतलब ख़राब हो जाए।